कल बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुए, बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए जिस कारण आज ये सवाल उठ रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। एम्बेसडर सिकरी, आपसे समझना चाहती हूं कि आपकी राय क्या है इस समय, क्या जो दुनिया ने सैंक्शंस इंपोज किए हैं रूस पर, पुतिन उसके सामने झुकते हुए आपको दिख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है दुनिया की धमकियां काम आएंगी? मेरा ख्याल है कि इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन सैंक्शंस के सामने बिल्कुल नहीं झुकेंगे। और मैं याद दिलाना चाहूँगी सबको कि इस यूक्रेन में जो हो रहा है इसका हल सिर्फ यूरोपियन फॉर्मेट में हो सकता है। और इसमें मैं याद दिलाऊंगी कि मिन्स्क अग्रीमेंट्स जो हुए थे 2014 में पहले हुए थे और 2015 में जो मिन्स्क अग्रीमेंट दूसरा हुआ था उसमें एक फॉर्मेट बनाया गया था, उसका फॉर्मेट का नाम है नॉर्मैंडी फॉर्मेट, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और रशिया इनके बीच बातचीत होनी चाहिए और इनके बातचीत के जरिए इस प्रॉब्लम का हल निकलना चाहिए। एक्चुअली जो मिन्स्क टू अग्रीमेंट था जो 2015 के फरवरी महीने में हुआ था उसमें ये 13 पॉइंट थे और उसमें ये भी बिल्कुल लिखा हुआ था कि बातचीत होगी और ये जो ब्रेकअवे रीजन्स हैं जो डोनेक्स और लुहांस का, इनको सिग्निफिकेंट सेल्फ ऑटोनॉमी मिलेगी। ये लोगों को याद रखना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है यूक्रेन में ये बहुत सालों से प्रॉब्लम चल रही है। और 2014 में भी जो अग्रीमेंट हुआ था, जो मिन्स अग्रीमेंट वन, जो सेपरेटिस्ट डोनेस्क और लुहान सेपरेटिस्ट और यूक्रेन के बीच हुआ था, उसमें ये था कि बहुत लोग तब तक मर चुके थे, हजारों में लोग मर चुके थे, और फिर वो जो अग्रीमेंट थी उसमें बिल्कुल कोई फॉर्मेट सक्सेस नहीं हुआ। दूसरा मिन्स टू अग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था उसमें जर्मनी और फ्रांस और रशिया को जोड़ा गया था और उसमें था कि सेल्फ ऑटोनॉमी दी जाएगी। क्योंकि ये सेल्फ ऑटोनॉमी का प्रोसेस कंप्लीट बिल्कुल नहीं हुआ है इसलिए ये जो स्थिति है वहाँ इन दो रीजन्स में ये बिल्कुल बिगड़ती गई और इसकी वजह से आज जो है इस नौबत तक आ गई है कि रशिया ने इनको रिकोगनाइज कर दिया है, इनकी इंडिपेंडेंस रिकोगनाइज कर दिया है। तो मेरा तो ख्याल है कि यूरोपियन फॉर्मेट, नॉर्मैंडी फॉर्मेट जिसमें फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, रशिया है, नॉर्मैंडी फॉर्मेट को रिवाइव करना चाहिए, इसमें बातचीत होनी चाहिए और इस सिलसिले का हल उसी तरीके से मिल सकता है, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स यूज करने चाहिए। और मैं देखती हूँ कि सारे लोग, फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूके हो, यूएस भी, प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा है कि डिप्लोमेटिक फॉर्मेट हम यूज करेंगे, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि हमारे लोग हम वहां भेजेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं मेरी उम्मीद है कि ये फॉर्मेट अगर रिवाइव हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि वॉर का सिलसिला खत्म हो जाएगा।